नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर जी कुमार फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि अच्छी अच्छी जानकार व्यक्ति, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी सक्सेस नहीं हो पाते जीवन में। बहुत सारे वैकेंसी जाते हैं और वैकेंसी में वो सक्सेस हो जाते हैं। सबसे अहम मुद्दा होती है कि उसका इंटरव्यू। इंटरव्यू एक्चुअल में एक कॉम्पिटिशन है जिसमें लोग लड़खड़ा जाते हैं और इंटरव्यू को कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण कि एंड द पॉइंट वो छड़ जाते हैं। दोस्तों, इंटरव्यू को फेस करने के लिए कुछ खास पॉइंट हैं। खास तौर पे जो है, अब तो बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब, प्राइवेट सेक्टर के लिए इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि वहाँ रिटर्न एग्जाम तो होने से रहा, और गवर्नमेंट का इंटरव्यू फिर सिलेक्टेड होती है, क्योंकि सिलेक्टेड स्टूडेंट द सिलेक्टेड सब कुछ। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए सबसे पहले जो है रिज्यूम, आपको जो CV भरते हैं वो आपका एकदम सही, सुंदर, सटीक होना चाहिए। कोई बचकानी हरकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी बचकानी हरकत क्या कर सकती है कि आपको पहले छांट देगी। दोस्तों, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और आपका जो रिज्यूम है वो फर्स्ट इम्प्रेशन जाता है। आपने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, क्या होता है ना, 98% लोग क्या करते हैं, साइबर कैफे गए, अजीब अजीब जो, हाँ भैया उसको डिलीट कर दो, ये रख दो, उसको डिलीट कर दो, बोल दो एकदम फटाफट, अरे व्हाट इज दिस, और वो बेचारा छंट जाता है। अब रिज्यूम लिख रहे हो, रिज्यूम लेके जाओ, रिज्यूम पहले तैयार करो, फिर 4-5 को पढ़ाओ कि देखो भाई ये जो रिज्यूम है मेरा सही है। आपकी गलती आपको नहीं पता चलेगी, पर 2-4 को पता चलेगी, और शायद हो सकता है कि कुछ ऐसे खास पॉइंट जो आप में टैलेंट हो वो बाद में बाहर आए, फिर उसको लिखना है। क्योंकि दोस्तों, पहले आपका रिज्यूम जाएगा। कुछ ऐसे जॉब भी होते हैं जो 1000 रिज्यूम पढ़ते हैं उसमें, और फिर बंदा को क्या करना होता है कि 5 सीट लेना होता है। तो दोस्तों, कि रिज्यूम देख के ही लोगों को सिलेक्ट करना है, 5 पिकअप करना होता है, 5 से 10 पिकअप। तो 10 रिज्यूम मतलब यू हैव टू बेस्ट सुपर 10, और उससे निकाल के आपका सिलेक्शन होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको जॉब संबंधित थ्योरिकल नॉलेज चाहिए। कोई भी जॉब आप वैकेंसी भरते हो तो आपको थ्योरिकल नॉलेज बहुत ही नेसेसरी है। विदाउट थ्योरिकल नॉलेज ऐसा संभव नहीं। अब फिल्मों और बहुत सारे चैनलों के भरोसे मत रहिए दोस्तों, क्योंकि फिल्मी डायलॉग बस फिल्मी पर संभव है। क्योंकि यदि आप फ्रेशर हो तो फिर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से आएगी, है ना। कोई कंपनी आपको यदि आपको लेता है तो उसको पता होता है कि ये बंदा जो है ये फ्रेशर है, देन फ्रेशर है तो आपको थ्योरिकल नॉलेज चाहिए। थ्योरिकल नॉलेज को आप कम ना समझे, कम ना आके, क्योंकि कंपनी जिस भी रिलेट में आप जा रहे हो, थ्योरिकल नॉलेज बहुत नेसेसरी है, और वो थ्योरिकल नॉलेज को पूछता ही पूछता है, डेफिनेटली पूछेगा। आई थिंक 60 और 40 होता है थ्योरिकल एंड प्रैक्टिकल। उसके बाद एक दूसरा पॉइंट है कि इंटरव्यू का आप अपने ब्रेन में सेटअप कर लो कि हाँ, मेरे को इंटरव्यू देने के लिए जाना है, बस किसी भी तरह से अपने आप को फ्यूज मत करो, कन्फ्यूज मत हो कि हाँ इंटरव्यू देने, पॉजिटिव थिंक, ओके इंटरव्यू जाना है। सबसे बड़ी बात है कि जब आप रिज्यूम देते हो तो जॉब के अनुसार अपना वो क्वालिफिकेशन दर्शाओ। यदि आपने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई किए हो तो आप दिखाओ कि आप इंटर पास हो, कंप्यूटर की सिंपल नॉलेज है। आपने डायरेक्ट MBA डाल दिया, MCA डाल दिया, फिर तो थोड़ा अजीब फील होता है, फिर उसने बंदा ने आपको रिजेक्ट कर देना। बहुत सारी बातें होती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में तो कोई बात नहीं, आपको प्लस पॉइंट भी मिल जाएगी। प्राइवेट जॉब ऐसा नहीं होता, प्राइवेट में भी थोड़ा सा दिमाग लगा के, लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट, मेरा सजेशन है दोस्तों कि जहाँ जो पोस्ट के लिए जितनी सीट जरूरी है उस अनुसार अपनी वैकेंसी को, अपनी टैलेंट को या अपनी क्वालिफिकेशन को दिखाओ। क्योंकि वही अच्छा होता है। अगला पॉइंट है कि आपको इंटरव्यू के लिए मॉक प्रैक्टिस करनी चाहिए, MOCK, मतलब झूठी इंटरव्यू। ऐना के सामने खड़े हो जाओ, फिर उसको बोलो कि है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, उसे डर खत्म होगा ना, हेजिटेशन दूर हो जाएगी। या किसी दोस्त के सामने बैठ के उससे वार्तालाप करो, उसको बोलो इंटरव्यू लेने। अब क्या क्या लेनी, कॉमन सी क्वेश्चन है कि आप में क्या खासियत है, आप में क्या खासियत है कि मैं आपको ये जॉब प्रोवाइड करूं। ये बताइए कि आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट पल कौन सा था। आपको यदि 1 लाख रुपये दें तो इस दीवार की कैसे मरम्मत करेंगे, ऐसे ऐसे सवाल जो आपको झिझोड़ के रख देगा। और क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन आपका IQ पावर देखेगा कि बंदा में बोलने की, करने की क्षमता क्या है।
स्ट्रांगली जवाब देना है, जो होगा देगा, एकदम पॉजिटिव थिंकिंग, जवान को लड़खड़ाने नहीं देना है। थ्योरिकल नॉलेज हो तो ये आपको संभव है। और नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों। 20%+ ओनली जो होती है वो वेरिएबल, वेरिएबल में होता है लिखा पढ़ी, कागज आपके, डॉक्यूमेंट वगैरह। लेकिन 80% नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन होता है, इसमें आपका चलना, बैठना, उठना, टाई लगाना, कोट पहनना, मस्त। आप कभी इंटरव्यू में जाओ तो सूट बूट टिप टॉप में, आपकी ये हाथ में बद्दी वगैरह, गला में चेन, टैटू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टीका, चंदन, प्लीज ये सबको दूर रखो। डायरेक्ट फेसअप हो, देखो कि क्या डिमांड क्या है, किस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई किए हो, और कम से कम सवाल क्रिएट होने वाले, विवादित कपड़े ना पहने, टी शर्ट तो फॉर प्लीज ये सब ड्रेस आप नहीं पहने, और संभव है ये सबसे दूर रहें। अपने बैठने का, उठने का, आप एक कैमरा शूट कर लो, फिर अपने आप को इंटरव्यू लो, कैसे एंट्री करते हो, बैठते हो, उठते हो, फिर उसको देखो, फिर आपको पता चलेगा आपने क्या मिस किया है, आपकी गलती क्या है, क्योंकि सामने से पता नहीं चलता आपकी गलती क्या है, जब आप उसे दोबारा देखोगे तो पता चलेगा आपने वास्तव में गलती क्या किया है। एंड द लास्ट पॉइंट कि यदि कोई भाषा में होती है तो जिस भाषा में इंटरव्यू लिया जा रहा है कोशिश करें कि उसी भाषा में उसको जवाब दें, और या फिर जिस भाषा में आप कंफर्टेबल होते हो ना वो दो। दोस्तों रिटेन एग्जाम हो चुकी होती है, सारी प्रक्रिया हो चुकी होती है, इंटरव्यू मतलब अ वेरी डिफिकल्ट टास्क दैट यू हैव, यू शुड, यू हैव टू क्रैक द ऑल क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंड दैट। सेकेंडली कि आप ये बात याद रखो कि आप जहाँ तक संभव हो उसको फेस अप करो। यदि क्या होता है कि कोई सवाल पूछ दिया आपको आंसर नहीं आता, पागल की तरह उससे कुछ आंसर बना रहे हो, प्लीज़ मत करो, सॉरी कह के स्माइल करके। जब पहली बार आप रूम के अंदर जाते हो तो मीठी स्माइल चाहिए, आई कांटेक्ट अच्छा चाहिए, उसको देखो। एंड द लास्ट मेरा सुनो, जब आप इंटरव्यू दिए होते हो, इंटरव्यू दे के निकलो, तो आप ये सोच लो कि चलो कोई नहीं, ये जॉब नहीं हुआ, सोच लो कि नहीं हुआ आपको, अगले जॉब की तैयारी, पॉजिटिव थिंक रखो। और आप करेंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि इंटरव्यू में ना वही मुद्दे पूछे जाते हैं जो हुए हुए होते हैं, क्योंकि आपकी तो टैलेंट आपको रिटर्न एग्जाम में देख लिया गया है, इंटरव्यू में फाइनली आपका ब्रेन चेक किया जाता है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप मुझे कमेंट करें, आपको जिस बारे में जानकारी चाहिए नीचे लिख के भेजें। मैं आशा करूंगा कि आपकी सारी चीज़ को मैं पूरा करूं।